कार्रवाई से बच जाएंगे, आपके साथ नहीं है तो आप पे कार्रवाई होगी। जी प्रतीक जी, ये प्रतीक जी ये चाहते थे कि मुस्लिम माँ बहन बेटियों के साथ अन्याय होता रहे और हम कोई कानून ना बनाए, ये चाहते थे। ये चाहते थे कि धर्म के नाम पर अतीक अहमद जैसे लोग और मुख्तार अंसारी जैसे लोग गुंडागर्दी करते रहे, हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते। ये चाहते थे कि तुष्टीकरण की ढाल को ओढ़ के ये इस गंदगी को बढ़ाते रहे और हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न करें, यही इनका असली चेहरा है, यही इनका असली चेहरा है। मैं आगे भाई बहुत देर से खड़े हैं, वकील साहब नंबर ही नहीं यार। बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं आप? आप फाइन, यू आर फाइन, वेरी गुड। मतलब आप हिंदी तो बोलते हैं ना, थोड़ी 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 हिंदी बोलते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में। हाँ जी, आई स्पीक क्वाइट अ गुड बट ब्रोकन हिंदी। ब्रोकन हिंदी है लेकिन इट्स नो प्रॉब्लम, आप बोल ब्रोकन हिंदी बोलिए, वी कैन गेट इट। हाँ जी बोलिए जी, आप तो बोलते हैं ना हिंदी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी बोलिए, क्या बोलना था? क्या पूछे? क्या पूछिए? वो कहो एबीसीडी है जो पूछिए। नहीं पार्टी जो जनता के पहली बार ये डाला है क्या? नहीं नहीं पहली बार नहीं, बहुत पहले डाला है। गजब है वकील साहब, आप भी भाई बहुत गजब। हम तो लोग कहते हैं माइक नहीं आता, पर ये देखो खड़े हैं चुनाव में, लेकिन आपके पास माइक आ गया तो आप परेशान काहे हो गए, इतना घबरा काहे गए? परेशान नहीं है पार्टी जो कभी कभी ऐसा होता है। मुझे ब्रेक में मिलिएगा फिर हम बताएंगे कैसे बोला जाता है, ठीक है ना? हाँ जी बोलो भाई। देखिए ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि थाने एसपी के यहाँ चले जाओ पीला गमछा लेकर थर थर कांपने लगते हैं, लेकिन यहाँ तो उनके लोग कांप रहे हैं। और वो और वहाँ सिद्धार्थ नगर में उनकी एक महासचिव थी, राष्ट्रीय महासचिव, वो ऐसे ही थर थर कांपने के चक्कर में कोई उनको ठोक के चला गया। ना ना ना, ना व्यक्तिगत हमले नहीं करेंगे। जी जनाब यादव जी। देखिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था, एक आम कार्यकर्ता के अंदर हिम्मत भरने का कार्य किया था, जो किसी अधिकारी से बात करने से डरता था। अगर वो पीला गमछा डालकर थानाधिकारी से बात कर रहा है, एसपी से बात कर रहा है, डीएम से बात कर रहा है, तो इसमें भैया बुराई क्या है? थर 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 तो ऐसे लोग कांप रहे हैं जो पीले गमछे का नाम सुनकर खड़े हो गए जैसे करंट मार दिया हो। वास्तविकता यह है कि पीले गमछे का पूरे उत्तर प्रदेश में भौकाल मचा हुआ है और इनके पेट में दर्द हो रहा है। पिछड़ों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, और ठगने का काम यही कांग्रेस वाले यही सपा वाले करते हैं। अरे भैया जब हमारे को आईना दिखाने का प्रयास करते हो, कांग्रेस गठबंधन करे, अखिलेश वखिलेश बोले, चिरकुट बोले, फिर गोद में जाके बैठ जाए, अपने आप को नहीं देखोगे हमको बोलोगे? इनके लिए, आपको इनके लिए सिर्फ चार लाइने हैं, साइकिल गई कबाड़े में, हाथी मर गया जाड़े में, पंजा गया भाड़े में, एक अकेला मोदी खड़ा अखाड़े में। ये गजब का जाड़ा था पिछला जो बीत गया, जब मैं यहाँ आया था तो पता नहीं लोग क्या क्या बोल रहे थे, और जैसे ही मार्च आया पता नहीं लोग क्या क्या बोल रहे हैं। मैं आया हूँ साहब, बिल्कुल ऑफकोर्स स्वागत है आपका कांग्रेस। अब प्रतीक भाई क्या कहें, कहते हैं ना कि कैसे 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 ऐसे वैसे हो गए, और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, हम इसको ज्यादा नहीं बात करते। मसला क्या था? मसला आज सीएएनआरसी का था। ऑन द लाइटर नोट, 5:30 बजे प्रधानमंत्री जी को सीएएनआरसी घोषणा करनी थी, क्योंकि हर छोटी चीज वंदे भारत भी वही घोषणा करते हैं, तो सीएएनआरसी घोषणा करनी थी, टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया, 6:15 बजे हुई। अरे भैया अब आप ही तो लेट आए थे, आप भी तो लेट आए थे। एक बात बता।